हेलो दोस्तों, वेलकम टू खगेश लेक्चरर, माय सेल्फ खगेश कुमार। तो आज का यह वीडियो सीजी बोर्ड क्लास टेंथ वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ का ब्लूप्रिंट कि कहां से और किस किस अध्याय से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास टेंथ मैथ में आपसे कुल 75 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात आपका पूर्णांक 75 अंक का होगा और इसके लिए समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कहां कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सिलेबस में कुल 8 इकाई दिए गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें फर्स्ट इकाई है बीजगणित, पहला इकाई है बीजगणित, जहां से 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, जो कि सभी इकाइयों में सबसे ज्यादा बीजगणित से ही पूछा जाएगा। इसमें 1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान या उचित संबंध हो सकता है दोस्तों, अर्थात आपसे बीजगणित से 1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक के भी 2 प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद सीधा 6 अंक का, अर्थात यहां से आपको पढ़ना है 1 अंक का 4 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक के भी 2 प्रश्न और एक 6 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स। और बीजगणित में हमें 5 महत्वपूर्ण चैप्टरों को पढ़ना है फ्रेंड्स, जिसमें पहला चैप्टर है बहुपद, और दूसरा है दो चरों का रैखिक समीकरण, और तीसरा है एक चर का द्विघात समीकरण, और चौथा है समांतर श्रेणी, और पांचवा है अनुपात एवं समानुपात। तो ये 5 अध्याय हैं फ्रेंड्स, जहां से 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार फ्रेंड बीजगणित में आपसे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-6 अंक का, 2-3 अंक का और 2 अंक के 2 प्रश्न और 1 अंक के 4 प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। और इकाई 2 निर्देशांक ज्यामिति से कुल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न यहां से आएगा, 1 अंक के 2 प्रश्न फ्रेंड्स, और 2 अंक के 1 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, 1 प्रश्न, अर्थात यहां से केवल 2 प्रश्न आएंगे, 1-4 अंक का और 1-2 अंक का दोस्तों, 1 अंक वाले को इसमें ऐड नहीं किया है, वो लास्ट में ऐड होगा। और इसमें आपको केवल 2 महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ना है, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति और आलेख। तो यहाँ से देख लीजिए, 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा जो ग्राफ या आलेख से होगा फ्रेंड्स, और 1-2 अंक का और 1 अंक के 2 प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। इसी प्रकार इकाई 3 वाणिज्य गणित से 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें 1 अंक के यहाँ भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। कुल 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न होंगे और 5 अंक के 1 प्रश्न फ्रेंड्स। और वाणिज्य गणित में आपको पढ़ना है फ्रेंड्स बैंकिंग एवं कराधान, मात्र एक ही चैप्टर है जहां से 7, जो कि वेरी आईएमपी है। इकाई 4 त्रिकोणमिति से आपसे 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें 1 अंक के यहां भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 अंक के 1 प्रश्न होंगे और 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति से आपसे 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक के 1 प्रश्न होंगे और एक 6 अंक का दोस्तों, तो 6 ये हो गए और 2 अंक का 1 प्रश्न 8 हो गए और 1 अंक के 2 प्रश्न 10 अंक है, तो 10 अंक इस प्रकार आवंटित है इसमें फ्रेंड। तो यहाँ से 1 प्रश्न 6 अंक आएगा दोस्तों, जो कि वेरी एमपी है। और इसमें भी आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ना है फ्रेंड, त्रिकोणमिति समीकरण एवं समीकाएं एवं ऊंचाई एवं दूरी। तो इसमें आपको 2 ही चैप्टर को पढ़ना है फ्रेंड, जहाँ से कुल 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड, जिसमें 1 अंक का 2 प्रश्न रहेगा, 2 अंक के 1 प्रश्न और एक 6 अंक का रहेगा। पांचवा इकाई ज्यामिति से कुल 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें 1 अंक के यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। ज्यामिति से 1 अंक के 3 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न 4 अंक का होगा दोस्तों और 1 प्रश्न 5 अंक का, अर्थात यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति से 1 प्रश्न 5 अंक का और 1 प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये 5 और 4 9 हो गए और 3 अंक का एक एक नंबर वाला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से 12 नंबर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। और इसमें आपको 3 महत्वपूर्ण चैप्टरों को पढ़ना है, ज्यामिति आकृतियों में समरूपता तथा वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और ज्यामिति रचनाएं। तो ज्यामिति रचनाएं तो आपको आना ही चाहिए दोस्तों, जो कि हम आगे सीखेंगे भी, जहां से 5 अंक के क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंड्स। अगला इकाई है इकाई 6 गणितीय कथनों की जांच। तो यहां से केवल 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, जहां से 1 अंक के 1 प्रश्न रहेंगे और एक 3 नंबर का रहेगा दोस्तों। तो ये 4 नंबर इस प्रकार आएगा, 3 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स या उचित संबंध होगा। और इसमें आपको एक ही चैप्टर को पढ़ना है फ्रेंड, गणितीय कथनों की जांच। यहां से 3 नंबर के और 1 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सातवां इकाई जो कि क्षेत्रमिति है, यहां से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, क्षेत्रमिति से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक के 1 प्रश्न होंगे दोस्तों, 3 अंक के 1 प्रश्न होगा और एक 4 अंक का होगा दोस्तों। क्षेत्रमिति से 4 अंक के 1 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न और 1 अंक के 1 प्रश्न फ्रेंड। तो इस प्रकार क्षेत्रमिति का अंक आवंटित है। तो यहां से केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक का और एक 3 अंक का दोस्तों, और ये 1 नंबर वाला लास्ट में ऐड होगा। और इकाई 8 है दोस्तों सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपको कुल 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर 2 अंक
और 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अर्थात ये 6 अंक इस प्रकार आवंटित हैं, सांख्यिकी से आप एक क्वेश्चन 2 अंक का देगा और एक क्वेश्चन 4 अंक का दोस्तों। तो इस प्रकार ये 6 अंक आवंटित है, यानी कि यहाँ पे आपको एक अंक वाला याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप यहाँ से 4 अंक की तैयारी करेंगे और 2 अंक की। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपको से कुल 75 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इस प्रकार आवंटित है फ्रेंड्स, जिसमें आपको कुल इन 75 अंक के लिए 17 क्वेश्चन दिया जाएगा फ्रेंड्स, और जो ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स और उचित संबंध ये तीनों मिलाकर के एक क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो कुल आपसे 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, 17 और एक 18, 17 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड। तो कुल आपसे 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 75 अंक का होगा दोस्तों। तो आइए आप जानते हैं कि आपके क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार का होगा, अर्थात क्वेश्चन का स्तर कैसा होगा। तो आपके कुल 75 अंक में 30% सरल होगा दोस्तों, 30% सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और 50% औसत रहेगा, एवरेज रहेगा दोस्तों। 30% सरल रहेगा और 50% औसत, और केवल 20% आपसे कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, और बिल्कुल इस ब्लूप्रिंट के ही आधार पर हम वीडियोस लाएंगे दोस्तों। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें और आप भी अपना पढ़ाई बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।